अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिफत और आप देख रहे हैं रिफत आसान पकवान। आप सब हैं मेरे मेहमान। चलिए जनाब, आज एक मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करते हैं जो कि है बटर चिकन। बहुत आसान, इसके टेक्निकली दो इसके तरीके होते हैं। मैंने दोनों से तैयार करके देखा और टेस्ट में मुझे कोई 19-20 का फ़र्क भी नहीं लगा। मैं आसान तरीके की तरफ जा रही हूँ, मैं इसको पहले मैरिनेशन नहीं कर रही हूँ। वैसे बटर चिकन के लिए चिकन को मैरिनेट किया जाता है थोड़ी देर के लिए इन्हीं मसालों के साथ। आधे से मैरिनेट कर लेते हैं, आधे जो हम ग्रेवी में डाल लेते हैं। लेकिन मैंने उस तरह भी किया, इस तरह से भी किया, टेस्ट एक था। तो हम सिंपल मेथड की तरफ जाएंगे। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास बटर है, इसकी मैं ये हाफ स्टिक जो है 4 टेबल स्पून ये मैं डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। और इसमें मैंने छोटा प्याज बारीक काट लिया था, या चॉप इसको कर लें आप चॉपर में। पेस्ट नहीं होनी चाहिए, बारीक होना चाहिए बस। ये प्याज सॉफ्ट हो गया है, कलर इसका चेंज नहीं मैंने करना। थोड़ा देर पकाना था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और खुशबू आना शुरू हो गई है कि ये रेडी हो गया है। सेकंड स्टेप के लिए जी मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो रेडी हैं। अगले स्टेप के लिए अभी मैं डाल रही हूँ सुरख लाल मिर्च। ये पहले मैं डाल रही हूँ, ये है मेरे पास देगी कश्मीरी मिर्च जो होती है वो है। इसे कलर बहुत अच्छा आता है लेकिन ये स्ट्रांग नहीं होती है। अब क्योंकि हमने स्पाइस भी हमें चाहिए तो मैं ये रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून ये डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ये हल्दी पाउडर है, ये मैं आपके ऐसे समय मेजर कर लेती हूँ, ये जाएगा 1 टीस्पून। नमक 1 टेबल स्पून। बस ये डाल के मैंने इसमें डाल देना है चिकन। 1 किलो चिकन बोनलेस ब्रेस्ट क्यूब कट में, इस साइज में कटा हुआ है। इसका वजन है 1 किलो। बिस्मिल्लाह, ये चला गया। हम इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं मसालों के साथ। ये देखिए, अब मैंने इसमें यह सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर 1/2 टीस्पून। जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। पिसावा गरम मसाला 1 टेबल स्पून। नींबू का जूस 2 टेबल स्पून। मैंने नींबू का जूस से निकाल कर खा है। बिस्मिल्लाह। अब मैं इन सब मसालों को अच्छा सा मिक्स करती हूँ। खुशबू आना शुरू हो गई है बहुत अच्छी सी। इसे 5 मिनट तक मैंने ऐसे भूनना है मसालों के साथ। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या जाएगा वो आपके सामने डालती हूँ। इसे कुक होने के रखूँगी। ये देखिए जी, मैंने ऐसे मैंने टमाटो प्यूरी जो है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये कैसे बनती है ये भी आपको नेक्स्ट किसी रेसिपी में बताऊँगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं सारी यही यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं चिकन गलने के लिए कुछ पानी डालना था। इसलिए मैंने 4 टमाटर मीडियम साइज़ के लेके उनको ब्लेंड कर लिया है 1 कप पानी के साथ। अब मैं इन दोनों को मिला के डालूंगी। खाली प्यूरी डालो तो तब भी टेस्ट थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। जो फ्रेश टमाटर डालेंगे इनके साथ कुक होगा तो फिर बहुत अच्छा लगेगा टेस्ट में। इसलिए मैंने 4 टमाटर लिए हैं और 1.5 कप मेरे पास ये टोमेटो प्यूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। फ्रेश टमाटर हैं पिसे हुए और ये 1.5 कप टोमेटो प्यूरी है। अगर आप टोमेटो पेस्ट है तो उसको थोड़ा पानी में डिजॉल्व करके तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन थोड़े से फ्रेश टमाटर जो उनको ज़रूर साथ इस्तेमाल करें। ये देखें,
अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स करके ढक्कन दे के इसको मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए कुक करूँगी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो आपके सामने करती हूँ। ये लें जी, ये मैंने मिक्स कर दिया अच्छा सा। ये देखिए जी, मैं ढकना उठा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये बिल्कुल उस पॉइंट पे आ गया है जब मैंने इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करनी है। अब मैं इसमें, मैंने शुरू में बहुत कम बटर इस्तेमाल किया था, हाफ स्टिक यानी 4 टेबलस्पून मैं शुरू में कम इस्तेमाल करती हूँ और फिर एंड पे ये डालती हूँ ताकि इसका फिर फ्लेवर जो है उठ के आता है। क्योंकि ये बटर चिकन है तो डेफिनेटली बटर तो ज़्यादा जाएगा, इसके बगैर तो बटर चिकन का टेस्ट नहीं आएगा बटर के बगैर। और ये जब हम एंड पे डालते हैं इसे शाइन भी सालन में अच्छी आती है और फ्लेवर जो है वो बहुत रिफ्रेशिंग अच्छा बटरी बटरी आता है। तो ये मैंने बटर डाल दिया, एक पूरी स्टिक, 8 टेबलस्पून बटर चला गया। ये 1 कप हैवी क्रीम है, मैंने मैयर करके रखी हुई है, ये अब जाएगी। बिस्मिल्लाह। बटर चिकन हमेशा थोड़ी ग्रेवी के साथ अच्छा लगता है ताकि आप नान या रोटी से खाएं तो सही से डिप हो जाए। तो अभी मैं इसे, लेकिन ये थोड़ा सा भी लिक्विड ही है, इसको मैं ऐसे खुला ही बगैर ढक्कन के 5-7 मिनट पकाऊंगी और फिर इसकी आग बंद कर दूंगी। तो फाइनल जो आप, मैं इसको डिश आउट करती हूँ आपके सामने। अब इसको 5 मिनट पकने देती हूँ। लीजिए जनाब, बटर चिकन तैयार हो गया। मैंने इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन आपके सामने दे दी है। अब आप इसको नान से खाएं, रोटी से खाएं, बॉयल्ड राइस के साथ खाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुकम्मल रेसिपी के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार होगा। बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई और आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।